आइए जानते हैं विज्ञान क्या कहता है। शंख की ध्वनि से स्नायु तंत्र संतुलित होता है, यानी ब्रेन के न्यूरॉन्स बैलेंस होते हैं। रोजाना तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जागृत होता है, जिसे साइंस पीनियल ग्लैंड कहती है, जिससे कि व्यक्ति में एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन और आत्मविश्वास यानी अद्भुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। साइंस कहता है कि हाथ में कलावा बांधना अपने में निर्भयता यानी फियरलेसनेस को बढ़ाता है, सुरक्षा कवच का कार्य करता है और रक्त संचार यानी ब्लड फ्लो को भी संतुलित करता है। घंटे घंटे की ध्वनि से मन मस्तिष्क में चल रही बातों को हम भूल जाते हैं और मन ईश्वर में सहज ही एकाग्र हो जाता है। घर में रोज दिया जलाने से सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव वाइब्स बढ़ता है और मन को शांति मिलती है। हो सके तो तुलसी के पौधे को घर में रखकर रोज जल दें, रविवार छोड़कर, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के साथ साथ अनेकों स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं, क्योंकि विज्ञान के हिसाब से तुलसी में 800 प्रकार की बीमारियों को मिटाने की शक्ति है। पीपल को जल धार्मिक क्रियाओं मान्यताओं के अलावा ऑक्सीजन पाने का भी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। ये केवल एक वृक्ष को जल देना नहीं हुआ, ये एक माध्यम है हमें समझाने का कि जिससे हमें जीवन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, उसका हम संरक्षण करें। जैसे आज की भाषा में सेव ट्री, ऐसे ऐसे कई स्लोगन इंटरनेट पर मिल जाएंगे। तो देखिए हमारे सनातन संस्कृति की महानता। जय श्री राम।